के भरूच से चलकर डाल्टनगंज झारखंड से जाने वाली श्रमिक स्पेशल ट्रेन बुधवार सुबह अपने तय समय के करीब 2 घंटा विलंब से सिंगरौली पहुंची, जहां ट्रेन के क्रू मेंबर समेत ड्राइवर एवं गार्ड को बदला गया। श्रमिकों के लिए चलाई गई स्पेशल ट्रेन के सिंगरौली पहुंचने को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट दिखा। एक ओर जहां SDM सिंगरौली ऋषि पवार, नायब तहसीलदार, रेलवे GRP, RPF व रेलवे के स्टाफ को लेकर स्टेशन परिसर पर मौजूद रहे हैं, वहीं मोरवा थाना प्रभारी नागेंद्र प्रताप सिंह भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने के लिए सदल बल के साथ सुबह से ही स्टेशन पर डटे रहे। सुबह करीब 5 बजे आने वाली ट्रेन क्रमांक 913/914 करीब 2 घंटे विलंब से 7:30 पर प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर पहुंची। वहीं सभी अधिकारी ट्रेन से उतरे चालक, गार्ड व क्रू मेंबर को सैनिटाइजर कर दूसरे चालक दल को ट्रेन से रवाना किया गया। इससे पूर्व ट्रेन से उतरने के बाद इंजन के ड्राइवर, केबिन गार्ड, बैरक समेत ट्रेन के बाहरी हिस्से को भी पूरी तरह से सैनिटाइज किया गया। ट्रेन करीब 10 मिनट तक सिंगरौली रेलवे स्टेशन पर खड़ी रही। इस दौरान किसी भी यात्रियों को ट्रेन से उतरने की इजाजत नहीं दी गई। प्रयागराज न्यूज के लिए सिंगरौली से उपेंद्र दुबे की खास रिपोर्ट।